हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं मांस और मांसों का फ्राई और हम लोग मुकबंग भी करने वाले हैं। वो होती है मेरे नानी के साथ। वो अभी नानी मेरे दुकान से नहीं आया, तो लेट्स स्टार्ट। आज ऐसे कुछ डिनर रेडी कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल ऐसा भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे जंगल में हम लोग जब जाते हैं ना, तब जैसे हम लोग बनाकर खाते हैं वैसे बनाने के लिए ट्राई करने वाले हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या डाल के बनाने वाले हैं और कैसे बनाते हैं। ओके, सो देखिए रहे। सो गाइस, मैंने इसे इसे कढ़ाई में इसे ये जो कोल का पत्ते है वो डाला, और मछली मछली में हम पहले तो ये चिली चिली डाल दूँगा। इतना स्पाइसी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना स्पाइसी नहीं खा पाते है हम लोग। छे ये इसको मैंने साफ करके रखा है, उसको फर्न बोल दिया। इसे अभी ये थोड़ा ये इतना सारा देख रही है ना, लेकिन छोटा हो जाएगा। ये पत्ते ना इसे मछली में बनाकर खाने के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टी होती है बहुत। ये डाल दूँगा मैंने थो कर रखा हुआ है। ये अदरक का जो पत्ते है ना वो है, तो उसको ऐसे क्रश करके ऐसे करके डाल दूँगा थोड़ा सा। नमक इसे पहले से थोड़ा ज़्यादा करना अच्छी बात है, क्योंकि मछली में इसे पहले से नमक नहीं जाती है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा इसे तेल डाल दूँगा। फिर उसको अच्छे से बंद कर दूँगा। इसको ऐसे अच्छे से करके पानी कर दूँगा, उसमें ना थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है। ऐसे करके अभी मैं इसको कैसे चला देता हूँ, और जो फ्लेम होती है ना वो थोड़ा छोटा करके, इतना फुल फ्लेम में पकाना नहीं है क्योंकि वो पानी नहीं डाला है ना, इसे चल जाएगा। उसको ऐसे करके बनाना है, अभी थोड़ा फ्लेम देते हैं और बाद में उसको थोड़ा ऐसे छोटा करके बनाऊँगा। तो गाइस, ये अभी उसको मैंने केस में चढ़ा दिया है, फिर अभी मुझे फॉयल बनाना है। अभी वो चढ़ा दिया केस में, और अभी मैं ये वाला फॉयल करने के लिए अभी रेडी करता हूँ। वैसे छोटा छोटा करके रेडी कर दिया। तो अभी ये जो अभी ये कटा ना, इसका पत्ते है तो उसको भी साफ करके ये दोनों मिक्स करके बॉयल करके उसको, क्योंकि वो सूखा बनाने वाली है ना, तो मेरे मम्मी तो इसे सूखा नहीं खा पाती है, तो इसका पोए का जो चूर होती है ना वो निकल देगा। अभी ये साफ करके ये भी हो गया। अभी उसको मैं पानी से अच्छे से धोकर ये भी केस में चला दूंगा इसे बॉयल करने के लिए। जब तक ये बन रही है मैं कपड़ा सूखा हुआ हूँ तो वो मैं लेकर आता हूँ। देखो मेरा बॉयल भी बन रही है, और ये वाला भी हाँ। देखो ये भी इसको खोलती है, तो
देखो गाइस मैंने थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला ना, वो पानी अपने आप निकल गया देखो पानी। इसलिए अगर आप लोग भी बनाने का मन हो तो ऐसे पानी मत डालो, अपने आप जो पत्ते का निकल जाते हैं ना वो उसे करके फिर पकाना है। से अच्छे से इसको बंद कर दिया, अच्छे से बंद कर दिया। मेरा सब्जी हो गया शायद, हो गया। कितना अच्छे से पक गया है, पानी हो गया। अभी ऑफ कर देता हूँ, इसको खोल कर रख देता हूँ क्योंकि इसे गर्म खाना अच्छा नहीं लगता। बॉयल अभी मैंने तेरा कोकम्बर इसके साथ खाना खाने का भी बहुत अच्छा लगती है ना, तो फिर तो कटूंगा इसको। आलू काटते थे इसी कट, हो गया ये कर दूँ, कर दिया फिर अभी ये ठोकर कटता हूँ ना, इसको वॉश कर दिया, ये इसको स्लाइस करके कर दूँ। तब मैं ये ले रहा था ना आज बाज़ार में, क्योंकि कभी कभी ना ये बहुत कारोबार होती है, पता नहीं क्यों। तो आज मैं उसको पूछ रहा था, तो वो मैंने क्या बोला मुझे, खा कर देखो वो सच में मीठा है, तो अभी तो इसके सच है मीठा है। काट लिया उसको भी, मछली कोयल कुकम्बर फिर ये राइस। हम लोग आज तो ऐसे पत्ते में खाने वाले हैं, देखो ये मम्मी का प्लेट है और ये तो हम लोग तो खाने वाले हैं, तो आप देखते रहना हम कैसे खाते हैं। तो मेरी मम्मी इतना खुश हो रही है आज, कैसे बनाया अच्छा है। नमक भी सही है ना, ये ना हमेशा कंप्लेन करते हैं, जब भी मैं कुछ भी बनाता हूँ ना हमेशा कुछ ना कुछ कमियाँ तो वो निकलती रहती है, ये कम है, मिर्चा ज़्यादा है, नमक कम है, ऐसे। लेकिन आज तो सही है, हिंदी से बोलना ना, वो लोग को नकामीस नहीं आती है ना समझ में, इसलिए आज तो हिंदी से बात करो। मम्मी को हिंदी नहीं आती है। मैंने बनाया करके ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सच में बहुत टेस्टी बनाया आज। आप लोग भी ट्राई करके देखो, ऐसे पत्ते में ना बिना पानी का होकर बहुत अच्छा बना, मेरी मम्मी भी इतना अच्छा करके खा रही।
अच्छे से पत्ते में खा रही हूँ। तनी कैसा है सब्जी? अच्छा सब अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग का बिल्ली भी इंतज़ार कर रही है अभी। ये पत्ती बहुत टेस्टी है, तो मछली छोड़ो ये पत्ती बहुत अच्छी है। देखिए ये मेरे बच्चे हैं, ये दोनों भी, ये वाला वाला, और ये हाथी है हम लोग का घर का। मेरे पास राइस खत्म हो गया, तो तब खाना खाते टाइम ना पानी नहीं पीता तो मेरा खाना हजम नहीं होता। हाँ ये अच्छा नहीं है खाते टाइम से पानी पीना, तो फिर खत्म। मम्मी का भी खत्म, अभी बिल्ली का, मेरे बच्चे का, ये तो खाकर भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। इतना अच्छे से खाया आज तो, मुझे दिलाना समय मुझे बिल्ली को, मेरे बच्चे का बिल्ली दिया भी बना रही है। पेट पूछा हो गया अभी डाइजेशन के लिए। पपैया ये मेरा मेरा खाओ, शांति नहीं खाते उसको अच्छा नहीं लगता, सो इसे निकाल दे। एकदम मीठा है ये, घर का है, आज सुबह बहुत पक गया, आज सुबह देखा था मैंने, इसलिए निकाल कर रख दिया था मैंने। ये ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो आज का व्लॉग यहाँ भी ख़त्म करूँगा। आज अच्छा लगा, इसे खुद बना कर इसे खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगती है। फिर मम्मी ने भी बोला कि अच्छा है, आज तो तारीफ किया मेरा, इतना अच्छा बनाया ऐसा बोला। तो नेक्स्ट टाइम भी इसे बना कर खाऊँगा, और आप लोग भी ट्राई करना इसे घर में इसे पका कर खाओ, बहुत अच्छा था सच में, इसे नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट भी करना कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। इसे अच्छा तो नहीं बना क्योंकि मैं इतना अभी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इसे व्लॉगिंग करना, तब भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।